हाय, नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी आई थी, धर्मेटिक्स ने बनाई है। करण जौहर का जो ऑनलाइन प्रोडक्शन हाउस है उसकी है, अजीब दास्तान। ये देखी है पिक्चर। ये एक अच्छा डिसेंट एक एफर्ट है एंथोलॉजी का। अच्छी पिक्चर है, सारी चार पिक्चरें हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब देखी जा सकती हैं, कुछ खराब नहीं है। हम एक एक करके ड्रिल डाउन करेंगे। सबसे पहली जो है उसका नाम है मजनू। तो मजनू जो है इसके अंदर हमारा एक्टर्स जो है उसमें है फातिमा सना शेख और साथ में है जयदीप हमारा जो है अहलावत। बहुत बहुत सुंदर एक्टर है यार, मजा आ जाता है उसको। मतलब ऐसे लगता है कि स्क्रीन पे, मतलब मेल क्रश है अभी मेरा तो, मुझे तो देख के मजा आ जाता है स्क्रीन पे। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है, मतलब मन करता है कि वो बोलता रहे, उसको देखते ना, इतना जबरदस्त एक्टर लगता है। मतलब इरफान खान है लगता है मुझे तो, वो इरफान खान है, वो ऐसे लगता है, उस स्टैचर का एक्टर मुझे लगता है। बहुत बढ़िया काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया है। डायरेक्शन जो है इसकी वो है शशांक की, शशांक खेतान करके है। उसने कुछ इससे ऊपर कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया नहीं है। वैसे धड़क बनाई थी, धड़क के बाद उसने जो, हाँ, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो है उसका रिपोर्ट कार्ड भी कोई खास बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर ये जो मजनू उसने बनाई है, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मुझे। तो इसमें बस यही बताया है कि एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ हैं, जिसमें हस्बैंड जो है वो गे है एंड ही डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्टिकुलर गर्ल फातिमा सना शेख। और हस्बैंड जो है वो जयदीप अहलावत है। वो शादी नहीं करना चाहता था, बट उसने शादी करी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था फादर की साइड से, तो मतलब वैसा कुछ करके शादी करी है। और इनका कोई ड्राइवर है, तो उसका जो बेटा है उसकी वाइफ गेट्स इन्वॉल्व विद हिम और एंड में वी गेट टू नो दैट ही डिचेस बोथ, क्योंकि वो फातिमा सना शेख और ये जसदीप अहलावत दोनों का कॉमन लव इंटरेस्ट था वो ड्राइवर का बेटा। एंड ही डिचेस बोथ ऑफ देम एंड ही लीव्स, इम्प्रेगनेट्स फातिमा एंड ही लीव्स। तो यही था इसके बारे में, बहुत ज्यादा कुछ अच्छी पिक्चर नहीं है। अगर इसकी पर्टिकुलर एक 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 करके हम रेटिंग करते हैं आज, इस एंथोलॉजी में जो पहला पार्ट है इसकी रेटिंग मेरी रहेगी 6, 6 out of 10 इज दी रेटिंग। और जो दूसरी है उसका नाम है खिलौना। खिलौना जो है वो राज मेहता ने बनाई है। इससे पहले राज मेहता ने जो पिक्चर बनाई है वो है गुड न्यूज़, और वो भी कोई ठीक है, हल्की फुल्की प्यारी सी पिक्चर थी, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं दिमाग लगाने वाला। इसके अंदर जो है ये बताया है कि एक गेटेड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी के अंदर एक काम वाली है जो कि है नुसरत भरूचा, और जो अभिजीत बनर्जी है वो प्रेस वाला है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, और जो नुसरत भरूचा है वो अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही है, वो काम वाली है, घरों में जा जा के काम करती है, और दे रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं वो प्रेस वाला और ये काम वाली। पूरी पूरी 30-35 मिनट की पिक्चर में कहीं पे भी वो काम वाली नहीं लग रही है, इतनी ज्यादा सेक्सुअलाइज करी हुई है, इतनी ज्यादा मतलब सुंदर दिखाई है पिक्चर में वो, कि वो कभी काम वाली लगी नहीं रही है। वो हमेशा से ऐसे ही लग रहा है कि आउट ऑफ स्पेस फील कर रहे हैं। और पिक्चर जो है वो भी ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। ये बताया है कि अल्टीमेटली ये दिस खिलौना इज इंडियन आंसर टू साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वहां पर भी जो मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशन था उसको काफी ज्यादा उन्होंने दिखाया था, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। यहाँ पर भी यही है, मास्टर और जो स्लेव, मतलब मास्टर जो और जो सर्वेंट है उनका रिलेशन है, उसी के ऊपर फोकस है ये पिक्चर भी अल्टीमेटली। एंड उन्होंने बताया कि जहां पर ये काम करती थी हमारी ये नसरुद बरूचा, इसकी जो छोटी बहन है उसने जो है वो उस घर का जो छोटा बच्चा था, न्यूली बॉर्न था, उसको कुकर में चढ़ा दिया, और वो ऐसे ब्लड ऊज आउट कर रहा है, वो इट गिव्स यू एक्चुअली चिल्स। बड़ा गंदा सा सीन लगता है वो, क्योंकि वो ऐसे ऑरेंज में कहती है खिलौना था, बच्चा नहीं था उनका। तो वो एक सीन थोड़ा सा है, वैसे चिलिंग है, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा है, कि मतलब बहुत ज्यादा कि बच्चे के एंड से दिखा दिया है, बाकी अदरवाइज कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त पिक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब ओके ओके एंथोलॉजी है। माई रेटिंग फॉर दिस वन वुड बी 5.5 out of 10। तो यही है मेरी रेटिंग इसके लिए। तीसरी पिक्चर जो है, तीसरी वाली जो है उसका नाम है गीली पूंछी। ये जो है ये बनाई है नीरज ने, जो कि मसान डायरेक्ट कर चुका है। मसान बहुत जबरदस्त पिक्चर थी, और 8 एपिसोड उसने सीक्रेट गेम्स के भी किए थे डायरेक्ट, तो वो भी बहुत अच्छा शो है, तो खैर है ही है, तो अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे हिसाब से ये चारों में से सबसे बेस्ट एंथोलॉजी यही वाली लगी है मुझे तो पर्सनली, बहुत अच्छी है गीली पूंछी। इसके अंदर अदिति राव हायद्री और कोंकणा सेन शर्मा है। कोंकणा सेन शर्मा जो है वो एक ब्लू कॉलर जॉब करती है किसी किसी ऐसे इंडस्ट्री इंडस्ट्री में,
तो वो चाहती है कि उसको, क्योंकि उसने बीकॉम किया हुआ है, तो वो चाहती है, शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एंड शी वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट हर लाइफ सोशली एंड शी वॉन्ट्स टू बिकम एन अकाउंटेंट. तो वो अकाउंटेंट का जॉब है वहां पर खाली है, मगर वो अदिति राव हाइद्री को दे देते हैं बिकॉज शी इज पंडित बाय कास्ट. तो ये थोड़ा सा आज के टाइम में भी हाँ कहीं कहीं पे ये हो रहा है प्रिवेल, तो उसके ऊपर इन्होंने काफी फोकस किया है. बहुत सबल वे से इन्होंने इस चीज को पुश किया है. और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि कोंकणा सेन शर्मा एंड अदिति राव हाइद्री बोथ आर लेस्बियंस एंड दे डेवलप अ रिलेशनशिप, जहां पर अदिति राव हाइद्री जो है वो देख रही है कि वो एक शर्मा फैमिली से आ रही है, तो शी डज नॉट हैज एनी प्रॉब्लम बींग इन लेस्बियन रिलेशनशिप विद कोंकणा सेन शर्मा वेन शी टोल्ड हर दैट हर नेम इज नॉट मॉन्डल इट इज बेनर्जी. बट वेन शी फाइंड आउट दैट कोंकणा सेन शर्मा इज एक्चुअली शेड्यूल कास्ट, हर सेकेंड नेम इज मॉन्डल, देन शी स्टेप्स बैक एंड शी डिस्टिंग्स हरसेल्फ फ्रॉम कोंकणा सेन शर्मा. तो ये बताया है कि हम इस लेवल के हम ओपन माइंडेड हो गए हैं कि वी एक्सेप्ट दैट आर सेक्सुअलिटी इज नॉट नॉर्मल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, बट वहां पर हमारे डीप डाउन इनसाइड वो चीज मन में अभी भी है ही है कि ये इनका वर्ण कौन सा है. तो ये बहुत अच्छे कॉर्ड को टच किया है. और इसके अंदर जो इसका एंड है मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि एंड में इन्होंने बताया है कि कंकना सेन शर्मा मैनिपुलेट्स अदिति राव हैदरी टू गेट प्रेग्नेंट, और उसके बाद वो कहती है उसको कि आप जो उसकी जॉब है, क्योंकि अदिति राव हाइद्री को दे दी गई थी, तो उसकी जो जॉब है वो फिर कोंकणा सेन शर्मा को मिल जाए, क्योंकि जब बच्चा आ जाएगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेट जॉब पे नहीं कर पाएगी. तो इसलिए ये बहुत एक अच्छा टच दिया है इस पिक्चर के अंदर. मुझे पर्सनली एक 36 चौरंगी लेन थी जो जेनिफर कपूर थी जिसके अंदर, उस पिक्चर की याद आई थी, क्योंकि वो भी अपना रूम जो है वो अपनी एक कोई, मुझे जितना ध्यान आ रहा है उसकी कोई फ्रेंड होती, उसकी कोई नोन लड़की थी, उसको लेंट आउट करती थी वैसे ही, क्योंकि दे देती थी, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू गो आउट उसका बॉयफ्रेंड. और वो इसके अंदर भी यही बताया है कि क्योंकि अदिति राव हाइद्री जहाँ रहती है वो 11 लोग दो कमरों के मकान में 11 लोग रहते हैं, तो वो टू कंज्यूमेट देयर मैरिज टू हैव सेक्स दे यूज टू गो टू कोंकणा सेन शर्माज हाउस. तो वो 36 चौरंगी लेन में भी उन्होंने एंड में बताया था कि जो ग्रामोफोन है वो बज रहा था, और उसका ग्रामोफोन, जेनिफर का ग्रामोफोन जो था वो उन्होंने रखा हुआ था, और जिन जो उसके पास आते होते थे, और उन्होंने अपनी पार्टी में उसको इनवाइट नहीं किया था. तो यहाँ भी मुझे लग रहा था कुछ बड़ा वैसा सा होएगा, मगर यहाँ पे इन्होंने कोंकणा सेन शर्मा को एंड में जो विनर दिखाया है, इन अ वे बोथ आर विनर्स बिकॉज शी ऑल्सो गेट्स टू लिव द लाइफ ऑफ अ वाइफ, क्योंकि वो शी वॉज मैरिड, तो वहां से भी बताया. तो मेरे हिसाब से दोनों विनर्स हैं, मगर ये पिक्चर जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है. मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग वुड बी 8.5 आउट ऑफ 10. तो बहुत अच्छी पिक्चर है. जो चौथी एंथोलॉजी है इस पिक्चर में, मतलब इस पूरी मूवी के अंदर, उसका नाम है अनकही. इसके अंदर मानव कौल है और शिफाली शाह हैं. विपुल अमृत शाह की जो वाइफ है शिफाली शाह, डेली क्राइम में भी थी. बहुत अच्छी पिक्चर है. इसका डायरेक्शन जो है वो दिया है बोमन ईरानी के बेटे ने, कियान ईरानी कुछ ऐसी करके नाम है, मगर डायरेक्शन बहुत अच्छी है. डेब्यू कर रहा है वो यहाँ पे इस पिक्चर से. मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये वाली पिक्चर भी. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, मगर थर्ड एंड फोर्थ बहुत अच्छी हैं. माय रेटिंग वुड बी थर्ड एंड देन फोर्थ दिस वन अनकही, और उसके बाद खिलौना भी ठीक थी, और वो दोनों सेम ही है. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो शिफाली शाह उसकी बेटी है और उसका जो हस्बैंड है, उसकी बेटी जो है वो लॉस ऑफ हियरिंग है उसको, तो शी बम्स इनटू दिस फोटोग्राफर हु इज ऑल्सो डेफ एंड डम, जो कि मानव कौल है. शी डेवलप्स अ रिलेशनशिप विद हिम, और एक सीन है वहां पे, ये पिक्चर जो है चौथी पिक्चर अनकही जो है, ये स्लाइस ऑफ लाइफ है. मतलब ऐसे एकदम चलती जाएगी पिक्चर, आपको बताती जाएगी उनकी लाइफ के बारे में, और एकदम से खत्म हो जाएगी. बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी क्राफ्टेड पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है. तो मेरी रेटिंग इसकी है 8 आउट ऑफ 10. तो इसके अंदर इन्होंने यही बताया है कि ये जो हमारी शिफाली शाह है, इसको मानव कौल एक डायलॉग बोलता है कि आईज डोंट लाई बट लिप्स डू, सो आई कम्युनिकेट विद आईज. और एंड में बिल्कुल जब उसको पता लगता है कि शी इज मैरिड, हैज अ डॉटर, और एक पैरेलल लाइफ है उसकी, तब वो कहता है यू मैनेज टू लाई, मतलब कहता नहीं, एक्शन से बताता है दैट यू मैनेज टू लाई विद योर आईज. तो बहुत अच्छा एक डायलॉग लगा ये वाला, एक मतलब हार्ड हिटिंग पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है ये वाली भी, बट इम्पैक्ट बहुत है इसका भी. तो देखी जा सकती है एंथोलॉजी. ये चारों पिक्चरें बहुत अच्छी लगी मुझे, और दैट इज ऑल अबाउट इट. फिर मिलेंगे, बाय.